वेलकम टू एफ एम ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास एट का चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर जो हमारा टॉपिक है, इसकी एक्सरसाइज चल रही थी 1.1, जिसमें कि हम पिछली वीडियो के अंदर उसके कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे के हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है एब्सोल्यूट वैल्यू पर। किस पे? एब्सोल्यूट वैल्यू। इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, तो देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले हमें यह समझना होगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो सभी नंबर की, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये मॉडुलस का होता है प्लस और माइनस एक्स है। सपोज करो अगर प्लस एक्स है तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी। अगर माइनस एक्स है तो तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी। कहने का, अगर हम मैं अलग अलग करके लिख दूँ, जैसे कि प्लस एक्स है, मॉडुलस प्लस एक्स क्या होगी? एक्स ही होगी। अगर मैं मॉडुलस माइनस एक्स लिखूँ तब भी क्या होगी? एक्स ही होगी। मतलब कहने का मकसद क्या है, अगर पॉजिटिव नंबर है उसकी भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी। और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप और ले सकते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए भाई माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, तो माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? टू होगी। आपसे कहा जाए प्लस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो प्लस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी? टू। तो कहने का मकसद है, अगर नेगेटिव नंबर है उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मतलब नेगेटिव की पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव की तो पॉजिटिव ही होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब ये अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने लिया है मॉडुलस 5/3 प्लस माइनस 7/6। आपको क्या करना है, इस मॉडुलस को ऐड करना है। क्या करना है? इस 5/3 प्लस माइनस 7/6 को क्या करना है? ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैसे। तो ये मॉडुलस दिया गया है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही इसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऐड करना हो रेशनल नंबर को, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। चाहे हमें रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो चाहे ऐड करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेंगे, तो आप देखेंगे क्योंकि एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, टू लेंगे। टू से थ्री तो जाएगा नहीं, थ्री ऐसे ही रहा जाएगा। टू से सिक्स चला जाएगा, कितने टाइम पे जाएगा? थ्री टाइम्स पे जाएगा। आप देखिए थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री। ठीक है, ये आपका एलसीएम क्या आ गया, आपका टू मल्टीप्लाई थ्री, कैल्सियम आ गया आपका सिक्स। तो अब आप ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे ध्यान से, देखेंगे गौर से। आपने एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे हम जो एलसीएम आया आपका थ्री और सिक्स का, उसे नीचे लिख देंगे। लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर है फर्स्ट वाला, उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। इसके डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो थ्री से सिक्स कितने टाइम्स पे जाएगा? टू टाइम्स पे जाएगा। कितने टाइम्स पे जाएगा? टू टाइम्स पे। जितने टाइम्स पे डिवाइड हो जाता है उतने टाइम्स की हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे। तो क्योंकि टू टाइम्स पे गया है तो हम क्या करेंगे, टू टाइम के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव में। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वाले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? सिक्स, और एलसीएम क्या हमारा? सिक्स। तो सिक्स से सिक्स को डिवाइड करके कितना आ गया? वन आ गया। तो अब हम वन की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेवन में करेंगे, तो इसे ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि ये क्या है, माइनस का है। तो वन मल्टीप्लाई माइनस सेवन,
बात क्लियर हो गई आपके। अब आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसका। सिक्स लिख दिया, अब 2 5 10 प्लस ए सी आ जाएगा, ओके तो 1 की 7 में करेंगे तो -7 हो जाएगा। अब हमें क्योंकि एलसीएम की अब जरूरत नहीं क्योंकि हमारा यूज हो चुका है, तो हमें एलसीएम को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है भाई, हमें रिमूव कर दिया क्योंकि हमें एलसीएम हमने यूज कर लिया है। अब क्या करेंगे, मॉडुलस एलसीएम ऐसे लिखेंगे, 6 10 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन है क्योंकि बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, 10 में से -7 किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो 3/6 के एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3/6 आएगा। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 3 1 3 3 2 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। तो आपने क्या समझा, आपने आपके समझ में आ गया होगा ये क्या है, 1/2 आंसर आया है इसका। क्योंकि हमने एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम मैंने आपको लेना सिखाया था कैसे लेते हैं, फिर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एलसीएम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जितने टाइम पे जाता है तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, अब माइनस हो तो माइनस लिखते हैं, ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम पर आ गया, 1 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करती तो 1/7, तो ये हो गया 2 5 10, 1 की मल्टीप्लाई 7 में करी तो 7 ही आएगा। इसके बाद आपने क्या देखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आप देखेंगे 10 में से 7 को लेस किया कितना आ गया, 3 3/6। अब आपका एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी लिखनी है, 3/6 के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3/6 ही होगी, पॉजिटिव ही आएगी। अब क्योंकि हमें इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो 3 1 3 3 2 6 1/2। तो हमारे मॉडुलस 5/3 प्लस -7/6 का जो सम आया है कितना आया है, 1/2 आया है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट और करके देख लेते हैं हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी इसकी, हम क्या कर रहे हैं, 2/3 -3/4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका आपको बताया ही था पहले भी, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 नहीं जाएगा तो ऐसे लिख दिया जाएगा, 2 2 4, फिर 2 से जाए नहीं जाएगा 3, 2 1 2, फिर 3 से 3 1 3, और ये 1 ऐसे आ जाएगा। एलसीएम आपका आ गया 2 × 2 × 3, तो एलसीएम आ गया आपका 12। ठीक है, 2 2 4 4 2 12, तो सेम ऐसे ही करेंगे, मॉडुलस 12 लिख देंगे। 3 से 12 को डिवाइड करा कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 4 × 2, माइनस ए सी आ जाएगा यहाँ पर। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 4 3 12। पहले तो हमने 3 से 4 12 को डिवाइड करा, 4 टाइम्स में गया, तो जितने टाइम्स में गया ऊपर 2 में मल्टीप्लाई कर दी, माइनस के सिंबल को उतार दिया। ऐसी 4 से 12 को डिवाइड करा कितने टाइम्स में जा रहा है, 3 टाइम्स में आया, 4 3 12। अब 3 की मल्टीप्लाई जितने टाइम्स पर 12 चला गया तो उतने टाइम्स की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो 3 टाइम्स में गया तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। तो अब आपका क्या हो गया, 4 2 8, फिर क्या है, -3 3 9 -3 3 9। अब क्योंकि एलसीएम यूज हो चुका है तो हमें एलसीएम की जरूरत नहीं है, एलसीएम को हम रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम को रिमूव कर देते हैं। एलसीएम को रिमूव करा हमने, अब देखेंगे 12 ऐसे आ जाएगा। अब गौर से देखिए यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 8 -9,
यहाँ वैसे तो नजर आ रहा है 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, मगर हमें जो यहाँ पर क्या देखना है, बड़ा नंबर कौन सा नजर आ रहा है, 9, 9 में से 8 को लेस करा कितना आ गया 1। अब क्योंकि 9 में से 8 को लेस करा है, 9 का साइन क्या है, माइनस है, तो क्योंकि जब हम जिस नंबर में सब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में उसी नंबर का साइन आता है, क्योंकि 9 में से सब्ट्रैक्ट करा 8 को, तो हमें क्या आएगा, माइनस का साइन ही इस आंसर में आएगा। तो आपका आंसर आ गया मॉडुलस -1/12। तो क्योंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि निगेटिव का भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो क्या आएगा आंसर, 1/12 ये आंसर आएगा। क्योंकि चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे -1/12 की, तो क्या आएगी, 1/12 आएगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले समझा चुका हूँ इसी से रिलेटेड, जब इस एब्सोल्यूट वैल्यू हमने स्टार्ट करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, इसका ना वेरीफाई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है, वेरीफाई दैट मॉडुलस x प्लस वाई इज लेसर या इक्वल, इन दोनों का सम या तो कम होगा या बराबर होगा, किसके सम के, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। कहने का मकसद है इन दोनों रेशनल नंबर का सम की एब्सोल्यूट वैल्यू कम होगी या इक्वल होगी x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के। तो हमें वेरीफाई करना है कि हाँ भी ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू या फॉल्स है। तो इसे चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसे LHS और RHS मान लेते हैं। हम इस साइड को क्या मान लेते हैं, LHS मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, LHS, और इस साइड को क्या मान लेते हैं हम, RHS, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स के या तो छोटी आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही होगा। अगर बड़ी आ गई और इक्वल नहीं आई तो क्या होगा, फिर ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। तो कहने का मकसद है LHS जो है हमारी लेफ्ट साइड जो है राइट साइड से या तो छोटी आएगी या इक्वल होगी इसके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं LHS ले लेते हैं, तो x क्या है हमारा, अब गौर से देखेंगे, -9/7 + 4/5। तो आपने क्या देखा, x के प्लेस पे क्या लिख दिया, -9/7, प्लस के प्लेस पे प्लस, y के प्लेस पे क्या लिख दिया, 4/5, जो आपको वैल्यू दी गई थी। x की वैल्यू -9/7 दे रखी है, y की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM लेंगे, क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो LCM लेने का तरीका वही होगा भाई, सेवन और फाइव के LCM ले लें, तो फाइव से डिवाइड करेंगे पहले, तो 5 × 5 फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका LCM कितना आ गया, 5 × 7 इज इक्वल टू 35, कितना आ गया, 35। तो आपने क्या करा, नीचे एंड्रो करी 35 लिख दिया, अब 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स पे जाएगा, 5 टाइम्स है, 7 × 5 = 35। जितने टाइम्स पे इस डिनोमिनेटर से एलसीएम डिवाइड होगा उतने टाइम्स की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर देते हैं। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -9, तो आपने देखा 7 से 35 को डिवाइड करा कितने टाइम्स पे गया, 5 टाइम्स गया, तो 5 की मल्टीप्लाई हमने 9 में करी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 5 से 35 को डिवाइड करा तो कितना आया, 7 आया, कितना आ गया, 7, 5 × 7 = 35, तो 7 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप,
फाइव, देखिए प्लस का 5 है और माइनस का 9 है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस आता है, 5 9 का 45, फिर प्लस आ गया, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर, माइनस 45 है प्लस 28 है अपॉन में 35 है, तो यहाँ माइनस और प्लस है, जब अपोजिट साइन होते तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है तो बड़ा जो नंबर दिखाई देता है उसमें से छोटे नंबर को हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस 45 में से प्लस 28 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्योंकि हमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं तो हम एलसीएम को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए गौर से, तो माइनस 45 में से 28 को लेस करें, तो हम देख रहे थे माइनस कर रहे थे हम, देखिए इससे आएगा 35 डिनोमिनेटर में, 45 में से 28 करा तो 17 आ गया। अब क्योंकि माइनस का 45 था तो इसलिए माइनस का 17 आ गया, माइनस 17 अपॉन 35। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 17 अपॉन 35, तो आपका LHS जो आया है 17 अपॉन 35 आया। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये क्या है, ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम क्या ले लेंगे, RHS लेंगे, क्या लेंगे, RHS, क्यों, अब हमारा ये हो गया, तो अब हम इसे क्या करेंगे, LHS हमारा कितना आ गया, अभी LHS हमारा आ गया है 17 अपॉन 35, 17 अपॉन 35, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, 17 अपॉन 35 आ गया हमारा LHS, ठीक है। अब हम इसे रिमूव कर देते हैं, तो हमारा LHS जो आ गया 17 अपॉन 35 आया, हम इसे लिख लेते हैं ताकि, क्योंकि हमें रिमूव करना पड़ रहा है, तो LHS हमारा, LHS हमारा कितना है, 17 अपॉन 35 आंसर आ गया, ठीक है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्यों हमें इसे रिमूव करना पड़ रहा है स्पेस कम होने की वजह से, तो अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इसका RHS देखते हैं, RHS क्या है हमारा, x प्लस मॉडुलस x मॉडुलस y, तो आपने क्या देखा भाई, x कितना है हमारा, माइनस 9 अपॉन 7 और प्लस y कितना हमारा, मॉडुलस 4 अपॉन 5। पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 9 अपॉन 7 और y की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 5, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, माइनस 9 अपॉन 7 की, 9 अपॉन 7 पॉजिटिव, और इसकी 4 अपॉन 5 की क्या होगी, 4 अपॉन 5 ही होगी। अब देखिए सबसे पहले हमें ऐड करने के लिए हम क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए डिनोमिनेटर का, तो हम डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 7 और 5 का हमने एलसीएम पहले भी निकाल चुके हैं, 35 आया था एलसीएम, हम डायरेक्ट लिख लेंगे एलसीएम कितना हमारा, 35। अब हम क्या करेंगे, इसे 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जा रहा है, तो हम 5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, प्लस 5 से 35 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स में जा रहा है, 7 टाइम्स में, 5 7 जा 35, तो 7 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 9 जा 45 प्लस 7 4 जा 28 फॉर्म में 35। अब ऐड कर देंगे इसे, ठीक भाई, ऐड करेंगे इसे, तो ऐड कर रहे थे हम 45 और 28 को, तो कितना हो गया, 5 और 8 13 हो गया, 13 का 3 कैरी 1, 5 और 2 7 हो गया, 73 अपॉन 35, आपका जो RHS कितना आ गया, 73 अपॉन 35। अब आपने देखना है LHS और RHS, LHS क्या आया था और RHS क्या आया था, हम ये लिख लेते हैं साइड में, हमारा RHS कितना आया है, RHS है हमारा 73 अपॉन 35। अब एक बार हम बता देते हैं इसे लिख के, क्योंकि रिमूव करना पड़ेगा, हम इसे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है भाई,
इसका मॉड्यूल यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ रहा है, इसे देखेंगे अब। मॉडुलस एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो आई थी हमारी कितनी आई थी, 17/35, 17/35। और हमारी मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 73/35। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो आई 17/35 आई, एक्स प्लस वाई इसकी कितनी आई, 73/35। अब यहाँ पर कंपैरिजन करना है कि इसमें हमें क्या दिया गया था स्टेटमेंट के अंदर, कि ये जो है या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, या आपका मॉडुलस एक्स प्लस वाई का सम जो है या तो छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, एक्स प्लस वाई के, मतलब मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई के सम के, सम से क्या होगा, ये छोटा होगा ये इक्वल होगा। मगर अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है ये छोटा है, क्योंकि 35 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर की बेस पर हम तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो तो हम न्यूमरेटर देखते हैं, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। तो आपने क्या देखा, 73 जो है और 73 जो है बड़ा है 17 के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये वाला रेशनल नंबर जो होगा बड़ा है, क्या ये लार्ज है, और ये क्या है आपका स्मॉल है, स्मॉलर है। तो ठीक है, तो आपने आप समझ गए होंगे आप, तो इसके अंदर आपका एक प्रूफ हो गया। हाँ भाई, ये स्टेटमेंट है ये वाला आपका मॉडुलस एक्स प्लस वाई या तो छोटा होगा ये इक्वल होगा किसके, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई के, ये क्या है, इट इज ट्रू, ये क्या है, इट इज ट्रू, ये क्या है भाई, ट्रू है, सही है, ये क्या है, ट्रू, सही बात है। क्योंकि आपने क्या देखा यहाँ पर जो है ये, मैं इस लाइन को नीचे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसका सम कितना आया था, 17/35 था, ये छोटा है किससे, 73/35। तो ये आपका आपका स्टेटमेंट क्या है, इट इज ट्रू, इट्स ट्रू, सच है, सही है, ठीक है भाई। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या आ गया भाई, ट्रू हो गया, बात सही है। क्योंकि आपका जो मॉडुलस का सम था एक्स प्लस वाई का वो छोटा है, सिंगल सिंगल जो मॉडुलस देखें एक्स, मॉडुलस एक्स और मॉडुलस वाई, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, हम मॉडुलस भी बोल सकते हैं इसे, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन दोनों चीज़ ही सेम है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है भाई। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो है क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज को 1.1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिया था और सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 5 लिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने होमवर्क में दिया है करने के लिए। अब हमने इसका थर्ड पार्ट लिया है इस एक्सरसाइज को, जो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर में क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे और सेकेंड पार्ट तक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपनी रजिस्टर के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, और इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे बार बार। और हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसका, मतलब इस एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेंगे। थैंक यू।